जनता मीडिया भारत के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मोदी सरकार का 16 जनवरी 2016 को चलाया गया नया अभियान है। यह अभियान देश के युवाओं के लिए नया अवसर प्रदान करने बनाया गया है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2015 को नई दिल्ली लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस अभियान के बारे में बात की थी। ये पहला युवा उद्यमियों को उद्यमशीलता में शामिल करके बहुत बेहतरीन भविष्य के लिए प्रोत्साहित करेगा। कार्यक्रम के अनुसार लगभग 125 लाख बेरोजगार दूर करने की घोषणा की है। इस योजना के अनुसार कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो अधिक रोजगार को सृजन कर सके। इस पोषण सहायक और प्रोत्साहन थर्ड उद्योग अकादमी भागीदारी और उष्मायन आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के बारे में अगर बोला जाए तो एक दिन या एक साल भी कम पड़े, पूरी जिंदगी भी हम लोग बोल सकते। आप जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 200 साल तक हमारा भारत अंग्रेजों की हुकूमत के हुकूमत करते रहे और हम लोग उन लोगों ने हम लोगों को बहुत पीड़ा पहुँचाई। हमारे जितने भी भाई बंधु थे उन लोगों को बंदी बनाकर रखा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ। इसी वर्ष की 15 अगस्त 2022 को हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूर्ण हो जाए। 75 वर्ष बहुत बड़ी एक कामयाबी है जो हम लोगों ने हासिल की है। हमारे वीरों को नमन करना चाहिए जिनकी वजह से हम लोगों ने आज ये दिन देख रहे हैं कि हम लोग आज़ादी से अपनी मातृभूमि पर श्वास ले पा रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। ये दिन आज़ाद होकर खुशी मनाने का तो है ही, साथ में उन सभी वीर सपूतों को याद करने का भी है जिन्होंने कई विद्रोह और आंदोलन करके हमें आज़ादी दिलवाई। वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों को नमन करने का है जिन्होंने भारत माता के मान सम्मान के खातिर अपने आप को फांसी पर लटका दिया। चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महात्माओं को नमन करने का है जिन्होंने हर मुश्किल कोशिश करके हम लोगों को आज़ादी दी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूँ कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से तो है। साथ में एक ऐसे भारत का निर्माण करना भी है जो कि अपनी मन मर्जी से हुए ये घटना शुरू होती है। इस घटना का अंतराल है 2 साल लगभग माना जाता है और इसमें कई सारे हमारे जो नेता हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और ऐसा नहीं कि ये एक घटना है जिसमें इमरजेंसी लगी थी, इससे पहले भी 1962 में भारत चाइना युद्ध के कारण इमरजेंसी राशि मिशन में लगाने के लिए दिया है। आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना होना आत्मनिर्भरता कहलाता है। आत्म जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समस्त संसाधनों का आयात हमें पड़ोसी देशों से जो कि व्यापार किया जाता है उससे कम करना है ताकि हमारे देश में जो ये पड़ोसी देश हमारे देश में जाने वाली प्रत्येक वस्तुओं को हमें कम उपयोग में लेना होगा। इसके बाद अंबिकावासी को चढ़ा हुए दमोह की गंगा माला के लाश को चढ़ा हुए वीरों ने जो हजरत भूमि को फांसी को चढ़ा हुए हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी को चढ़ा हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी को चढ़ा दुनिया जहाँ की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूँ मैं अंतर उन विचारों से भी डरकर पूछ रहा हूँ मैं दुनिया जहाँ की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूँ मैं अंतर उन विचारों से भी डरकर पूछ रहा हूँ मैं दहशत गर्दों की छाती पर अरे दहशत गर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूँ मैं इतिहासकार और सिंहासन से आकर पूछ रहा हूँ इतिहासकार और सिंहासन से आकर पूछ रहा हूँ और क्या पूछ रहा हूँ मित्रों की पूर्वजों की वीरता कितने इतिहास पढ़ा डाले हर सिंधु नाती हर सिंह मुझे कितने भाष पढ़ा डाले मेरे इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने अरे कई कई नाम महाराणा को कितने ही चौहान सुने संबंधन नई शिक्षा नीति सुविधा पर गोविंद सिंह दीनदयाल मंडल से योग बनाया से स्वस्थ रहे। हम देखते हैं कि अगर डिप्रेशन के कोई व्यक्ति अगर शिकार हो जाता है उसके नंगे पांव को 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने तो वैसे ही सही हो जाता है। तो
तो इसका मतलब यह है कि हम जितना प्रकृति से कनेक्ट रहेंगे उतना है हम स्वस्थ रहेंगे। और प्रकृति से अच्छी तरीके से कनेक्ट होने का सबसे अच्छा तरीका है योग। इसीलिए हमें कर्म होना चाहिए पूरी दुनिया में योग। उसी प्रकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आने वाली है,
इनके जरिए, युवाओं के सहयोग के जरिए, और हम सभी जिस दिन मेहनत करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना दूर नहीं। और हमारे एक वक्त हुआ करता था जब भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु था, हम उसी भारत के वासी हैं जब इन सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस देश ने पूरे विश्व को किया है, हमने विश्व का नेतृत्व तब भी किया था और हम आज भी उस नेतृत्व को करने में सक्षम हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब हमारा किसान सक्षम होगा, जब हमारे युवा, आप, मैं, हम जैसे लोग मजबूती से काम करेंगे, जब हमारे गांव मजबूत होंगे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन विश्व भी कल्पना नहीं कर पाएगा कि भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि हम विश्व की सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्ति बनके विश्व के सामने खड़े होंगे। मैं अंत करते हुए चार लाइनों से अपनी बात अंत करना चाहूंगा कि हे भारत, अब तू सोने की चिड़िया ना बनना। हे भारत, अब तू सोने की चिड़िया ना बनना। तुझे बनना कोई नूर है, तुझे बनना कोई नूर है। तुझे विश्व में परचम लहराने के लिए, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तुझे आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। उसी प्रकार जब हम युवा हैं तो हम
हमारे प्रति समाज का देश का सबको हमसे उम्मीद है कि हम कुछ ऐसे कार्य करें जो कि पूरे देश प्रतियोगिता भाषण में मैं अर्जुन धनगर गांव बामनी से, मेरा विषय है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी को पता है, इतिहास गवाह है कि हमारा देश पहले आत्मनिर्भर हुआ करता था। हमारा देश आत्मनिर्भर था, परंतु मुगलों और हमारे मुगलों जो जिन्होंने 60 साल से हमारे देश में राज किया, इन्होंने केवल घोटालों के दौरान हमारे देश को झकझोर करके रख दिया। लेकिन जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब उन्होंने एक सौगंध खाई थी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की में देश नहीं झुकने दूंगा। इसी कड़ी में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा और लगातार वो प्रयत्न करते चले गए। लेकिन हमारे देश के सामने कोरोना जैसी भयंकर महामारी आई और देश के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। जब देश के सामने संकट खड़ा हो गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की। इसके माध्यम से उन्होंने गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, महिला और हर वर्ग को उन्होंने इसमें लाने की कोशिश की और भारत को 20 लाख करोड़ जो भारत की जीडीपी का लगभग 10% है हमारे बजट में सम्मिलित किया और योजना का लाभ हमारे सभी लाभार्थियों को दिया। उसके माध्यम से चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, हर वर्ग को माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना का लाभ दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, अपने स्वयं रोजगार के लिए कई योजनाएं चालू की, उसमें महिलाओं को सिलाई मशीन, स्वयं के लिए रोजगार, युवाओं के उपस्थित सभी अतिथिगणों, मेरे युवा साथियों को भी मेरा नमन। मैं वर्षा रामगोपाल जी रत्नावत रामपुरा से और मेरा विषय है आजादी का अमृत महोत्सव। आज 15 अगस्त 2022 को देश आजादी के 75 वर्ष भाई मनाएगा। इस आजादी के 75 वर्ष भाई मनाने से पूर्व माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने 75 हफ्तों तक आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज किया। मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से इस आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 सरोवर बनाने की अपील की। भारत का पहला अमृत महासरोवर का उद्घाटन रामपुर बनाने का उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की ओर, हमारे वैज्ञानिकता की ओर, आध्यात्म की ओर इसका जोर दिया, जो आज तक किसी ने आर्ट और कॉमर्स की तुलना नहीं की थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके द्वारा हमारे वैज्ञानिक ने किस किस क्षेत्र में और किस किस प्रकार से अपना योगदान दिया वो बताया। उम्र नहीं मान सकती किसी युवा को, 40 साल का, 30 साल का हो युवा होगा। युवा का मतलब होता है जिसमें सोचने की क्षमता हो, जिसके आंखों में सपने हो, मन में इरादे हो, हाथों में शक्ति हो, वह चेहरे में अलग हो, ताकि वो युवा देश के भविष्य के साथ एक अच्छा कार्य कर सके, वो हमारे देश की प्रगति के रास्ते पर ले जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया व ऐसी लघु उद्योग योजना जिस तरह की योजना चलाई जा रही है, जिसके द्वारा आज का युवा अधिक योजनाओं का योजना का लाभ ले रहा है। और जैसे कि प्राचीन समय में देखा जा रहा है कि हमारे प्राचीन समय के स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के अलावा चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी कम उम्र में भी उन्होंने हमारे देश पर जान न्योछावर कर दी, ताकि आज के युवा भटके ना, गलत राह पर ना जाए।
आज के युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और खेल में आगे बढ़ना चाहिए। खेल में आगे बढ़ेंगे तो देश का नाम भी रोशन होगा और हमारे देश की प्रगति और उन्नति भी होगी। मोर्चों में मोर्चा, युवा मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा, युवा मोर्चा। प्रधानमंत्री उज्जैन संभाग संगठन सदस्य श्री देव जी अभी आज हमारे कार्यक्रम के पंचायत अध्यक्ष जी, भारतीय जनता प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय सिंह जी महाराजा, दीन दयाल मंडल के मंडल अध्यक्ष मुकेश जी राखी, मुखर्जी मंडल अध्यक्ष केलाजी कोई, उपराष्ट्र मंडल अध्यक्ष मदन जी रावत, रामपुर मंडल अध्यक्ष गोपाल जी गुजर, आज हमारे कार्यक्रम के मंच से भारतीय जनता पार्टी ने आज हमें यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करके बड़ा उपकार किया है, जो हमें यहाँ बोलने का अवसर दिया है। कुछ अपने दिल की बातें भी कर ले तो बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये भी हमारी भावना को समझे। भारत ने जो भूमिका युवाओं की, इस शब्द को समझकर सोचकर हमें बोलने का जो विषय मिला है उसे समझे सबसे पहले कि क्या है नए भारत में युवाओं की भूमिका, मतलब नया जो भारत आएगा उसमें युवाओं की भूमिका क्या रहेगी। हम किताबी ज्ञान से जो बातें कर रहे हैं बहुत देर मार जलेबी इमरती टीवी जैसे अपमानजनक शब्दों से उनका अपमान
वाले मेरे साथी और यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहन, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि अभी बताया गया, मेरा विषय है नए भारत में युवा। नए भारत में युवाओं की भूमिका के ऊपर मैं सबसे पहले दो लाइन बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आज की जनरेशन जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, तो मैं उसी पे एक लाइन बोलना चाहता हूँ। सोना तपता है तो कुंदन बनता है, विपरीत धाराओं को चीर कर चलने वाला सागर को पार कर पाता है, उसी का नाम युवा है, उसी का नाम संघर्ष है। अब बात आती है नए भारत की, तो नए भारत की बात करूँ तो सबसे पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे सपनों का भारत कैसा हो। हम लोग नित्य नए चीज़ें देखते रहते हैं और हमारे देश में जो कि सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, तो नए भारत में मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए मैं बताऊँ आपको। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ सबको वास्तविक रूप में काबिलियत के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से समान अवसर प्राप्त हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ गाँव और शहरों के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने का प्रयास किया जाए। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ इस तरीके के नए अपने सपनों के भारत को बनाने के लिए युवाओं की अहम भूमिका होनी चाहिए। उसी कड़े में मैं आपको युवाओं को अवसर दिए बिना कोई भी राष्ट्र अपना अच्छे से निर्माण नहीं कर सकता है। भारत की रीढ़ की हड्डी युवा वर्ग को माना जाता है और ये पूरा विश्व जानता है। भारत की आजादी में मुख्य भूमिका निभाने वाले लोगों में युवा स्वतंत्रता सेनानी सबसे ज्यादा थे और उन्हीं की बदौलत हमारा देश आजाद हुआ है। हमारे युवा जुड़ रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि भारत देश युवा शक्ति प्रधान देश है और किसी भी देश के नव निर्माण में उस देश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब बिना पतवार के नाव नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार बिना युवा पीढ़ी के देश का विकास भी संभव नहीं है। युवा पीढ़ी एक ऐसी चिंगारी है जो जब भी भड़कती है हमेशा कुछ ना कुछ नया परिवर्तन लाती है। पिछले 10-15 सालों में युवाओं ने एक अहम परिवर्तन की बयां लाई, उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है, चाहे करियर हो, चाहे जीवन साथी चुनने का, उसके अलावा पहनावा हो, अपनी भाषा हो, सब में युवाओं में निखार आया है। अपनी जीवन शैली में भी युवाओं ने बहुत परिवर्तन किया है जिससे हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है।